हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ हैदराबाद स्टाइल में निजामी दम का गोश्त बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसका टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक रहेगा। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। यहाँ मैंने लिया है मटन। मटन के मैंने बड़े पीसेस लिए हैं, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसे मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश कर दिया है जिससे कि एकदम क्लीन हो गया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है नारियल का बुरादा, ये आधा कप है। और 2 से 3 हम लेंगे हरी इलायची, 2 से 2.5 इंच हम लेंगे दालचीनी लकड़ी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग लेंगे और साथ ही में लेंगे पिस्ता, 4 से 5 पिस्ता ले लें और 3 से 4 हम बादाम ले लेंगे। और अब हमें लेना है ग्राइंडिंग जार ले लें और उसमें हम ये सभी चीज़ें डाल देंगे और इसमें हम पानी डालकर इसे स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है पपीता, ये कच्चा पपीता है, आप इसका छिलका हटा दीजिएगा और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे मटन, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून और अभी हमने जो काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था वो हम डाल देते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ पपीता। पपीते में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड किया है। अब हम लेंगे पाउडर मसाले, 2 टीस्पून मैंने लिया है धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून हम लेंगे सौंफ का पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च और 1/2 टेबल स्पून लेंगे हल्दी का पाउडर। ये हमें मटन में डाल देना है। और अब हम लेंगे पुदीने के पत्ते जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, हरी मिर्चें ली हैं 2, इस भी मैंने चॉप कर लिया है, इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। साबुत मसाले ले लेंगे, 2 तेज़पत्ते, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी जावित्री और 2 बादियान फूल ले लेंगे, इसे भी हम मटन में डाल देंगे। और यहाँ मैंने लिया है 1 कप दही, दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने दही प्लेन इस्तेमाल किया है, खट्टा नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने फ्राई कर लिया है, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, तो जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें ऑयल का फ्लेवर है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढक देते हैं और इसे हम 2 से 2.5 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे जिससे कि मटन थोड़ा सा गल जाए, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसे मैरिनेट कर लीजिएगा, अगर कम टाइम है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लें। तो यहाँ पर मैरिनेट हो चुका है और अब हम इसके ऊपर ये एल्युमिनियम फाइल लगा देंगे। तो इस तरीके से इसके ऊपर ये फाइल लगा दें और इसके बाद इसके ऊपर का ढक्कन लगा दें। ढक्कन अभी आपको बंद नहीं करना है, ऐसे ही ढक दीजिएगा और इसे चारों तरफ से हम कवर कर देंगे जिससे कि मटन अच्छी तरह से दम हो जाएगा। तो अभी मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है और अब हम इसे हाई फ्लेम पर कर देते हैं। तो इसे मैंने हाई फ्लेम पर कर दिया है और हाई फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट तक कुक करेंगे। इसे ज़्यादा कुक ना करें क्योंकि हमने मटन को मैरिनेट किया है और इसमें पपीता भी पड़ा हुआ था, पपीते से ये जल्दी गल जाता है। और यहाँ पे 10 मिनट हो गया है, अब हम मटन को चेक कर लेंगे। तो ये फॉइल कवर हटा दें और ये देखें, यहाँ पे मटन बन के तैयार है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। गैस की फ्लेम हाई रखें और इसे चलाते हुए भून लें। और यहाँ पे अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। और यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे।
सर्विंग बाउल में इसे सर्व कर लें। आप इसका टेक्सचर देखिए कितना परफेक्ट है, मटन अच्छी तरह से दम हो चुका है। और यहाँ मैंने इसे गार्निश कर दिया है लाल मिर्चों और पुदीने के पत्तों के साथ। आप इस रेसिपी को चपाती, नान और पुलाव के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपके मेहमानों को और फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको यह रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।